हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए दोस्तों, इससे प्रीवियस क्लास में कैलेंडर चैप्टर में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। कैलेंडर स्टार्टिंग चैप्टर था उसमें, तो उसमें क्वेश्चन टाइप था कि आज अगर सोमवार है तो अगले 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगले महीना 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, या वर्ष में कन्वर्ट किए कि 23 मई 2008 को अगर मंगलवार है तो 24 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो लोग नए हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें आज का टाइप रहेगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि मई महीना में मंगलवार कितने बार आएगा, कितने टाइम्स आ जाएगा, या फिर जून महीना के 15 तारीख को रविवार हो रहा है तो जून महीना में सोमवार कितने बार आएगा, मंगलवार कितने बार आएगा, बुधवार कितने बार आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हर महीना में कोई भी दिन कितने बार आ सकते हैं। प्रत्येक माह में कोई भी दिन जो होता है, सोमवार हो, मंगलवार हो, संडे हो, मंडे हो, वो कितने टाइम्स आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट में लिख दिए हैं, किसी भी महीना में कोई भी दिन हो 4 या 5 बार ही आते हैं, चाहे वो फरवरी माह ही क्यों ना हो। इसीलिए फरवरी माह का जिक्र कर रहे हैं कि फरवरी माह जो होता है 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो उसमें क्वेश्चन अराइज होगा कि 28 या 29 दिन का अगर हो रहा है तो उसमें 4 या 5 बार कैसे होगा जी। 4 बार होगा, 5 बार तो संभव ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अराइज होता होगा, या फिर 3 बार हो सकता है चूँकि 28-29 दिन का जी नहीं। फरवरी माह में भी मिनिमम 4 बार आएगा और मैक्सिमम 5 बार आएगा, उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि 5 बार कौन कौन सा दिन आ सकता है। ठीक है, कोई भी दिन किसी भी माह में 3 या 6 बार नहीं आ सकता है, चाहे वह 31 महीना भी क्यों ना हो। अगर 31 महीना भी होगा ना तो उसमें भी 6 बार नहीं आएगा कोई भी दिन। कितने बार आएगा, वो 5 बार ही आएगा। और फरवरी का 28 महीना क्यों ना हो, 3 बार नहीं आ सकता, मिनिमम 4 बार आएगा कोई भी दिन। ठीक है, तो उसका कभी भी जवाब याद रखना है कि कोई भी माह हो मिनिमम 4 टाइम्स आएगा, मैक्सिमम 5 टाइम्स आएगा। यही चीज़ ये दोनों पॉइंट में बताए हैं कि किसी भी महीने में कोई दिन 4 या 5 बार ही आते हैं, चाहे वह फरवरी माह ही क्यों ना हो। कोई भी दिन, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी दिन किसी भी माह में 3 या 6 बार नहीं आ सकता है। अब देखिए, अब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि फरवरी माह में 3 क्यों नहीं हो सकता है, 4 या 5 ही कैसे हो जा रहा है। तो फरवरी माह में 5 बार वही दिन आएगा जो फरवरी माह 29 दिन का होगा। 29 दिन का कौन सा फरवरी माह होगा, लीप वर्ष। पहले के वीडियो में बताए हैं लीप वर्ष कौन सा होता है और साधारण वर्ष कौन सा होता है, उसकी पहचान हम बता चुके हैं। तो फरवरी माह में 5 बार वही दिन आएगा जो लीप वर्ष हो और 1 फरवरी को होगा, जो 1 फरवरी को जो दिन आ जाएगा ना वो 5 बार आएगा। 1 फरवरी को अगर सोमवार होगा तो वो उस फरवरी में 5 बार आएगा, मंगलवार होगा तो वह उस फरवरी में 5 बार आएगा, मंगलवार 5 बार आएगा। तो 1 फरवरी को होगा और वह फरवरी 29 दिन का यानी लीप वर्ष होना चाहिए, है ना। 29 दिन का होगा तो वो 5 दिन आएगा। अगर 2 फरवरी को जो दिन आ जाएगा वो 5 बार नहीं आएगा। फिर देखिए कैसे होता है, 1 फरवरी को कौन सा दिन ले लेंगे, अगर सोमवार ले लेते हैं, चलो सोमवार,
ये अब नेक्स्ट वीक कब आएगा सोमवार, अगले 7 दिन बाद आएगा सोमवार, तो 1 में 7 जोड़ देंगे, 8 फरवरी को सोमवार आ जाएगा, या अगर मंगलवार ले रहे तो 8 तारीख को मंगलवार आ जाएगा। फिर अगले 7वां दिन 15 फरवरी हो रहा है, उस दिन वही दिन आ जाएगा, फिर उसी में 7 दिन जोड़ रहे हैं 22 फरवरी, 22 फरवरी को उसी दिन वही दिन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट डेट 7 जोड़ दे रहे हैं 29 फरवरी, एग्जैक्ट 29 फरवरी, तो 29 फरवरी को कौन सा दिन आ रहा है, फिर वही दिन आ रहा है जो दिन यहाँ 1 फरवरी को होगा, है कि नहीं। अगर 28 महीना होगा तो क्या 5 बार होगा, स्पष्ट है, क्योंकि अगर 28 महीना अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 29 फरवरी तो होगा ही नहीं, 28 फरवरी हो जाएगा तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 दिन ही होगा। तो जो 1 तारीख को आएगा वो 5 बार आएगा, ठीक है। फरवरी में सभी दिन 4 बार आते, बाकी जो भी दिन आएगा वो 4 बार ही आएगा, 3 बार नहीं आएगा, चाहे वो 2 तारीख का आए, 3 तारीख वाले दिन हो, 4 तारीख वाले दिन हो, 5 तारीख वाले दिन हो, सब 4 बार आएगा। अब उसके लिए देख लेते हैं, चलिए 2 तारीख को हम कोई दिन ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं सोम मंगल बुध जो भी ले लेते हैं, 2 फरवरी को माना सोमवार हो गया, ठीक है। अब अगले 7 दिन बाद वो सोमवार आएगा, 2 + 7 तो क्या हो जाएगा, 9 फरवरी को सोमवार आ जाएगा, फिर अगले 7 दिन बाद आएगा तो 9 + 7 कितना, 16 फरवरी को आ जाएगा, फिर अगले 7 दिन बाद आएगा तो 16 + 7 कितना हो जाएगा, 23 फरवरी, 23 फरवरी को आ जाएगा, और 23 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 तारीख हो जाएगा, 30 फरवरी तो होता नहीं है, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा। तो महीना में कितने दिन आ रहे हैं, 4 दिन आ रहे हैं, यानी फरवरी माह में एकदम अच्छे से याद रख लेना है कि जो दिन 1 तारीख को आएगा वही 5 बार आएगा, अब बाकी जो भी दिन आए, 2 तारीख को आए, 3 तारीख को आए, 5 तारीख को आए, वो कितने बार आएगा, 4 बार आएगा। जैसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि फरवरी माह के 2 फरवरी को यदि वह साधारण वर्ष है तो वह कितने बार, मतलब साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में 2 तारीख को अगर मंगलवार आ रहा है तो वो कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, सिंपल सी। अगर लीप वर्ष है तो अगर 1 फरवरी को बुधवार आ रहा है तो वह वर्ष लीप वर्ष है तो वह सोम बुधवार है तो वो कितने बार आएगा, कितने बार आएगा, 5 बार आएगा, है कि नहीं। तो और बाकी माह का भी हम लिख देते हैं, लिखने से ये सुविधा होता है कि आप लोगों को लिखने में बनेगा और समय कम लगता है। तीस माह वाले दिन में खुद से पहले दिमाग लगा के देखिए कि 30 माह वाले दिन में कौन कौन तारीख को जो दिन आएगा वो 5 बार आ सकता है, तो खुद से वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 तारीख को ले रहे हैं कोई भी दिन, सोम या मंगल, तो वो कितने बार आ सकता है, तो मान के चलिए 1 तारीख को हम ले लेते हैं सोमवार, या मंगल, बुध, शनिवार, रविवार, जो भी ले लीजिए, रविवार ही ले लेते हैं, 1 तारीख को ले लिए रविवार। अब रविवार फिर कब आएगा, अगले 7 दिन के बाद, यानी 7 + 1 8 तारीख को आएगा रविवार, 2 बार आ चुका है, फिर नेक्स्ट टाइम कब आएगा, 8 + 7 यानी 15 तारीख को आएगा रविवार, 3 टाइम आ गया, फिर नेक्स्ट 15 + 7 यानी 22 तारीख को आ जाएगा, फिर 22 + 7 29 तारीख को आ जाएगा, यानी 1 तारीख को जो दिन आ रहा है, रविवार आ रहा है, तो वो कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 बार आ रहा है रविवार। अब 2 तारीख को देखते हैं, अगर 2 तारीख को लेते हैं तो वो कितने टाइम्स आएगा, तो 2 तारीख को अगर लेते हैं तो 2 तारीख को जो भी दिन ले रहे हैं तो 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23, 23 + 7 30, 30 के बाद तो होगा नहीं, अगर 7 जोड़ेंगे तो 37, 37 तारीख तो होता नहीं है, तो कितने बार आ रहा है, 3 2 5। जो तीसरा महीना है उसमें 1 और 2 तारीख को जो भी दिन आएगा, जो बार आएगा, वो कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। अब क्या 3 तारीख को जो आएगा वो 5 बार आएगा, देखिए
तीन को लेते हैं तो सात तीन दस, दस सात सत्रह, सत्रह सात चौबीस, चौबीस सात इकतीस। इकतीसा महीना तो ले नहीं रहे, तीसा महीना की बात चल रहा है तो तीसा महीना में इकतीस तारीख तो होता ही नहीं है, तो कितने टाइम्स आ जाएगा, एक दो तीन चार। और जब तीन को चार बार आया तो चार तारीख को पांच बार आ सकता है, नहीं आ सकता है उसके, यानी तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस जो भी हो नहीं आएगा पांच बार। कितने बार आएगा, चार बार आएगा। और जो 28 तारीख को आएगा वो भी चार बार ही आएगा, ये नहीं सोचना है कि 28 तारीख को आया तो अगले 28 प्लस सात हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे, माइनस में आएंगे, है ना। तो कितने बार आएगा, तो मिनिमम चार बार, मैक्सिमम पांच बार, चाहे जो भी माह हो, फरवरी हो या तीसा हो या इकतीसा हो, मिनिमम चार टाइम्स आएगा, मैक्सिमम पांच टाइम्स आएगा। कौन कौन सा, उनतीसा महीना होगा तो एक तारीख को आने वाला दिन वो पांच बार आएगा, अट्ठाईसा महीना होगा फरवरी का तो उसमें सभी का सभी दिन चार बार ही आएगा, फरवरी में जो भी दिन हो वो चार बार आएगा, पांच बार नहीं आ सकता। उनतीसा महीना हो तो उसमें एक बार आएगा, तीसा महीना हो तो उसमें दो बार आएगा, वो कौन कौन दिन को, एक और दो तारीख को आने वाला ही दिन वो पांच बार आएगा। और इकतीसा महीना हो तो इकतीसा महीना में तीन भी कैलकुलेट कर लेंगे, तीन को आने वाला इकतीस हो रहा है ना, तो इकतीसा महीना होगा तो उसमें एक दो और तीन तारीख को आने वाला बार वो पांच बार होगा। तो वही चीज़ है, इकतीस माह वाले में जो दिन एक दो और तीन को होगा वो दिन पांच बार होगा, बाकी सब चार बार होगा। 28 महीना में पांच बार नहीं होगा, सभी चार बार ही आएगा। 29 फरवरी माह में एक फरवरी वाला दिन ही पांच बार आएगा। तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 28 महीना में सभी दिन चार बार ही आ सकता है, पांच बार नहीं आएगा। 29 फरवरी माह वाले में एक तारीख को जो दिन आएगा वही पांच बार आएगा, बाकी दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस जो भी इस तारीख को जो भी दिन आएगा वो चार बार ही आएगा। अगर 30 माह वाले दिन लेते हैं तो उसमें एक तारीख और दो तारीख को जो दिन आएगा वो पांच बार आएगा, बाकी तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तीस जो भी होगा वो चार बार ही आएगा। यदि हम 31 माह का लेते हैं कोई भी मंथ 31 माह का, तो वो कितने बार आएगा, एक दो और तीन तारीख को आने वाला बार वो पांच बार आएगा, बाकी सभी चार बार ही आएगा, ठीक है। तो अब आगे इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, किसी वर्ष मई महीना में 15 तारीख सोमवार से दो दिन बाद पड़ती है, उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि मई महीना है, महीना कौन सा है, मई का महीना है, उसमें कितने मंगलवार होंगे, ठीक ना। यदि 15 तारीख को सोमवार हो रहा है इसलिए दे दिया डेट, अगर ये डेट नहीं देता तो डाटा इनसफिशियंट होता है, इसलिए इनसफिशियंट हो जाता कि मई महीना है, तो मई महीना कौन सा दिन, कौन से कितने दिन का होता है वो पहले देखेंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इकतीसा महीना है, तो इकतीसा महीना में एक दो तीन को जो बार आएगा वही पांच बार आ सकता है। तो ये हम कैसे जानेंगे कि ये जो मंगलवार है एक तारीख को है, दो तारीख को है, तीन तारीख को है कि नहीं है, एक या एक और तीन के बीच में है तो पांच बार आएगा, अगर नहीं है तो फिर चार बार आएगा। तो ये क्लियर किससे होगा, ये 15 तारीख से होगा, अगर ये 15 तारीख नहीं दिया रहेगा तो डाटा इनसफिशियंट हो जाएगा। इसमें लीप वर्ष देखना है या नहीं देखना है, नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि इसमें फरवरी लीप वर्ष से सिर्फ फरवरी माह इफेक्टिव होते हैं, मई का माह नहीं होते हैं, बाकी कोई महीना इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो जहां फरवरी माह का बात हो तो वहीं पे वर्ष चेक किया जाएगा कि लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो इसमें फरवरी माह का तो बात चल नहीं रहा है,
चल रहा है मई माह का, तो मई माह का कितने दिन का होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 दिन का होता है। तो अब 31 दिन का होता है ये तो क्लियर हो गया, लीप वर्ष से कोई मतलब है नहीं। मई महीना के 15 तारीख को सोमवार है, देखिए 15 तारीख को सोमवार हो रहा है, 15 को सोमवार हो रहा है, ठीक है। तो मंगलवार कब हो जाएगा, एक दिन बाद, यानी 16 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। तो 16 तारीख को, 16 मई को मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, 16 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। अब नेक्स्ट कब होगा मंगलवार, 16 प्लस 7 कर देंगे, तो 16 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दुना 12 एक 13 के 3 हाथ से ले एक एक 2, 23 मई को एक मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। उसके बाद 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 3 10 एक आ 2 एक 3, 30 मई को हो जाएगा, 30 मई को मंगलवार हो रहा है। ये कितना बार आएगा, 3 बार आ चुका है, और कई बार आएगा, एक बार और आएगा। 16 में से 7 घटाएंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7, 9 मई को, 9 मई को एक मंगलवार आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कब आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे, 9 माइनस 7 करेंगे कब आ रहा है, 7 8 9, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 मई को मंगलवार आ रहा है। यानी कुल मिला के कितने बार आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, ठीक है, 3 2 5 आ रहा है। 15 तारीख को है, 15 इसमें कुछ क्वेश्चन अलग है, 4 बार है इसका आंसर, तो वही ये 5 बार कैसे आ गया, देखिए किसी वर्ष मई महीना में 15 तारीख जो होता है, 15 तारीख से 2 दिन बाद क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है सोमवार, यानी 15 तारीख है, 15 तारीख के 2 दिन बाद आ रहा है, यानी कब आ रहा है, 17 तारीख को आ रहा है सोमवार। ये जो सोमवार जो आ रहा है ये प्लस 2, यानी कब, 15 प्लस 2 17 तारीख को, यानी ये 17 तारीख को सोमवार आ रहा है, 17 मई को, ठीक है, ये कब आ रहा है, 17 मई को सोमवार आ रहा है। तो मंगलवार कब होगा, 17 तारीख को सोमवार आ रहा है, तो 18 को हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कुछ त्रुटि लग रहा है हमें, देखिए इसमें गलती कहां पे किए हैं, इसी को कहते हैं सेलिंग मिस्टेक। हम लोग अक्सर एग्जाम में वहाँ पे गलती करके आ जाते हैं जहाँ पे गलती होने की चांसेस बहुत कम रहती हैं, यानी एकदम इजी क्वेश्चन में हम लोग गलती करके आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बाइक ड्राइवर जो एकदम एक्सपीरियंस है, जिसके पास अच्छा बाइक चलाने का, वो अक्सर एक्सीडेंट करके आ जाते हैं। तो ऐसा होता है हमारे भी एग्जाम में, अपने भी एग्जाम में ऐसा कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो जिसको इजी वे देख के और उसको हल्के में लेके क्या है तुरंत बन जाएगा, और उसी में हम गलती कर दिए। देखिए गलती यहाँ पे 5 बार हो गया, जबकि इसका आंसर है 4 बार। तो यहाँ समझने का फेर है, क्या समझने का फेर है, देखिए क्वेश्चन पहले सही से रीड करना चाहिए। इसीलिए किसी वर्ष मई महीने की, ये तो समझ में आ गया मई 31 होगा और लीप वर्ष से कोई मतलब नहीं है, 15 तारीख जो है, 15 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है, 15 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है, तो यहाँ पे कोमा रहेगा तो थोड़ा सा स्टॉप हो जाएंगे, तब अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि 15 तारीख सोमवार से
दो दिन बाद पड़ती है, यानी सोमवार से दो दिन बाद पड़ती है। तो आज अगर सोमवार है, आज अगर सोमवार है तो प्लस दो दिन बाद 15 तारीख हो रहा है, 15 मई आ रहा है, तो 15 मई को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार से दो दिन बाद बुधवार हो जाएगा, यानी 15 मई को कौन सा दिन हो रहा है? बुधवार हो रहा है। तो अब मंगलवार कौन सा दिन का हो जाएगा? 14 मई का हो जाएगा। 14 मई का कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो अब देखना है कि मई महीना में कितने बार मंगल आएंगे, तो 14 प्लस 7 कर देंगे आगे के लिए। 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा? इधर 7 × 3 = 21, 21 मई को कौन सा दिन हो जाएगा? एक मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 21 + 7 28 मई, 28 मई को एक हो जाएगा मंगलवार, और 28 + 7 करेंगे तो 31 प्लस में चला जाएगा। तो 31 प्लस यानी मई महीना में 31 का ही होता है, 32 तारीख तो होता नहीं है। तो इधर आ गया 14 तारीख को आ गया, 21 तारीख को आ गया, 28 तारीख को आएगा, ये तीन टाइम आ गया, ठीक है। अब देखना है 14 तारीख से पहले भी तो मंगलवार आया होगा ना, तो 14 - 7 कर देंगे, 14 - 7 कर देंगे, तो कब आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 7 मई को एक मंगलवार आया, 7 मई को। अब देखना है कि 7 - 7 अगर करेंगे, 7 तारीख को मंगलवार आ गया, और 7 तारीख से पहले कब आया होगा? तो 7 - 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 0 मई। 0 तारीख कभी हुआ है? नहीं हुआ है, 1 तारीख हुआ, यानी 1 तारीख से एक दिन पहले आया होगा मंगलवार, 1 तारीख से एक दिन पहले। तो 1 तारीख से एक दिन पहले कौन सा महीना हो जाता? मई से पिछला महीना हो जाएगा। तो मई से पिछला, हमको तो मई का ही जिक्र है, तो मई में कौन कौन सा दिन आ रहा है? 7 तारीख को आ रहा है, 28 तारीख को आ रहा है, 21 तारीख को आ रहा है, और 14 तारीख को आ रहा है। तो कितने बार आया मई महीना में? 4 बार आया है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन में 4 टाइम्स, ठीक ना। 31 महीना में मंगलवार कितने बार आएगा? 4 बार आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के ही बनाना है, रीजनिंग है। थोड़ा सा भी अगर हम मिसिंग करते हैं तो आंसर वो भी ऑप्शन में मिला रहेगा, हो सकता है 5 भी रहेगा, हम टिक मार के एकदम आगे बढ़ जाएंगे, जो कि निगेटिव मार्क हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, किसी वर्ष में 20 जून को बुधवार रहा हो तो उस महीने में कितने रविवार रहे होंगे? क्वेश्चन देखना है, ये थोड़ा सा इजी है, उससे तो इजी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउट था कि 15 तारीख से दो दिन बाद था सोमवार, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, किसी वर्ष में 20 जून, किसी वर्ष, अब लीप वर्ष हमको चेक करना है या नहीं चेक करना है? चेक क्यों करेंगे, फरवरी माह का तो है नहीं जी, जून का। तो जून कितने महीना का, कितने दिन का होता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, धसा हुआ भाग में आ रहा है। यानी जून जो होता है सो कितने माह का होता है? 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। तो अब तीसरा महीना में मैक्सिमम आता है कौन कौन सा दिन को आने वाला, कौन कौन सा तारीख को आने वाला दिन? 5 बार होगा, 1 और 2 को, बाकी 4 बार आएगा, ठीक है। तो देखिए, किसी वर्ष में 20 जून को बुधवार रहा हो, 20 जून को, यानी 20 जून को कौन सा? बुधवार, ठीक है, रहा हो, तो उस महीने में कितने रविवार रहे होंगे? तो अब रविवार देखना है, अगर 20 जून को बुधवार होगा तो रविवार इसके आसपास कब होगा? यानी तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे बुधवार में? तो बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, अगर इसमें 4 ऐड करेंगे, 20 + 4 ऐड करेंगे तो 24 जून को रविवार हो जाएगा, हो जाएगा। या फिर 20 माइनस कितना, मंगल, सोम, रविवार, 20 माइनस 3 करेंगे तब जाके रविवार आ जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस 3 करेंगे यानी 17 जून को रविवार होगा, या फिर 24 जून को रविवार होगा। अब देखिए 17 जून यहां से भी हम निकाल सकते हैं, 24 - 7 कर देंगे
24 माइनस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 इधर हो जाएगा 17 हो जाएगा, 7 और इधर 1, 17 जून को रविवार आ रहा है, फिर उसमें 17 माइनस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 जून, 10 जून को रविवार हो रहा है, ठीक है। फिर इधर 10 माइनस 7 कर देंगे कितना हो जाएगा 3 जून, 3 जून को रविवार आ रहा है, ठीक है। अब 3 से तो माइनस कर नहीं सकते हैं, फिर ने प्रीवियस मंथ में चले जाएंगे। अब देखना है 24 से भी तो आगे आएगा ना, और जब 3 तारीख को आ गया तो मिनिमम 3 तारीख को आया तो कितने टाइम्स आएगा, सिंपल सा है, कौन सा महीना 30 दिन है, 4 बार ही आएगा, तो 1 2 3 4, और 24 प्लस 7 अगर करते हैं, चलिए एगो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं आगे, 24 प्लस 7 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 1 11 31 तारीख हो जाएगा, तो 31 तो महीना है नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ जब ये 3 जून को आ गया रविवार तो श्योर तीसरा महीना है, तो श्योर है कि 4 बार आएगा ही आएगा, यहीं से फाइंड कर देंगे, आगे प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी भी इसी क्वेश्चन में हम माइनस ही में चलते जाएंगे तो कहाँ आ रहा है 0 या फिर 7 आ रहा है, तो जब ये 7 बार आए, 7 तारीख को आया तो 4 बार आ जाएगा, हम प्लस क्यों करेंगे, किसी चीज़ का माइनस हम करते जाएंगे, क्योंकि बाद में हमको माइनस करना ही है तो हम पहले ही क्यों ना माइनस करते जाएंगे, जब ये अगर 1 से 2 या 3 तक नहीं आया यानी 4 बार आएगा, तीसरा महीना है तो 2 तक अगर नहीं आया तो 4 बार आएगा, 2 या 1 को आ जाएगा तो 5 बार आएगा, तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, निकाल सकते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 मई 2023 को, यदि 15 मई, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 मई 2010 को बुधवार हो तो 16 जून 2010 का दिन क्या होगा। अब फिर वही क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा इस पे अच्छे तरह से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ईयर कौन सा है, 2010 में ही जो भी है, ईयर चेंज नहीं हो रहा है, मंथ मई से जून में जा रहे हैं, तो इसमें लीप वर्ष है या नहीं चेक करना पड़ेगा या नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें फरवरी है ही, फरवरी का जिक्र नहीं है, फरवरी से इंक्लूड करते या फिर जनवरी से लेके चलते तब लीप वर्ष को देखना था, अब यहाँ पे फरवरी हम देख नहीं रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मई से, तो मई और जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, तो अब मई और जून में देखेंगे कि कौन सा महीना होता है मई जो होता है कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून 30, मई 31 दिन का होता है और जून जो होता है कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। अब देखना है दो मेथड होगा, या फिर ये जो 15 मई है, तो अगर 15 मई आज बुधवार होगा तो 7 जोड़ते जाएंगे जो नियरेस्ट आएगा 16 जून के नज़दीक में, उसमें फिर जो बचेगा उसमें उतना जोड़ के उस डेट को निकाल देंगे, तो वो थोड़ा सा हो गया बच्चा वाला मेथड। आइए अपना रीजनिंग मेथड देखते हैं, तो क्या करेंगे, 15 मई से लेके 31 मई में कितना दिन का डिफरेंट है, तो इसमें मई में कितना दिन बचा, मई में, तो मई में देखेंगे तो 31 माइनस 15 कर देंगे यानी कितना हो जाएगा इसमें, तो इधर हो जाएगा एक में से 1 2 3 4 5 16 दिन इधर बच जाएगा, ठीक है, इधर 16 दिन हो गया, और इधर जून में देखते हैं, जून में कितना दिन है लेना है, 16 जून यानी 16 दिन लेना है। अब क्या करेंगे, दोनों को 7 से भाग दे देंगे, दोनों को 7 से भाग दे देंगे, शेष फल जो बचेगा वो ले लेंगे, दोनों में शेष फल कितना, 7 × 14 = 15 = 16, इसमें 2 शेष फल बचता है, इधर 7 × 14 = 15 = 16, इसमें भी 2 शेष फल बचता है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा,
चार दिन बच गया, यानी वो चार दिन किस में ऐड कर देंगे, बुधवार में, यानी इसीलिए 16 जून 2010 को जो होगा बुधवार प्लस चार दिन, यानी कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, तो आंसर क्या हो जाएगा ये रविवार। आ गया समझ में, इजी है। दूसरा जो मेथड है बच्चा वाला मेथड है कि अगर 15 जून को कौन सा दिन हो रहा है, ये बुधवार हो रहा है, तो क्या करेंगे 15 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 प्लस 7 यानी 5 5 10, दोबारा के 2 हाथ से लेके 2, ठीक है, उस दिन भी बुधवार होगा। 22 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 8 9 हो जाएगा, और इधर 29 हो जाएगा बुधवार, 29 प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जून 31 महीना होता है तो 29 के बाद 30 31 हो जाएगा, 31 के बाद 1 2 3 4 5, यानी 5 कौन सा हो जाएगा, 5 जून, ठीक है, ये मई था, 5 जून को फिर बुधवार ही होगा, फिर 5 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, और यहाँ निकालना है 16 जून, तो 5 5 10 2 12, 12 जून को कौन सा दिन हो जाएगा, फिर बुधवार ही होगा, 12 प्लस 7 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 8 9 19 तारीख हो जाएगा, क्या करेंगे जो 16 जून हो जाएगा, तो सिर्फ 4 जोड़ेंगे, तो 12 में 12 प्लस 4 करेंगे, तो यानी जब यहाँ पे कौन सा बुधवार हो रहा है, तो बुधवार में अगर 4 करेंगे 12 प्लस 4 तब 16 जून हो रहा है, तो यानी बुधवार में भी 4 दिन ऐड करेंगे, 4 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। तो ये हो जाएगा बच्चा वाला मेथड, ये रीजनिंग का मेथड, ठीक है। अब देखें, यदि 28 जुलाई 2020 मंगलवार है, 28 जुलाई 2020 को मंगलवार दिन है, तो 30 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ईयर सेम है, 2020 में ही डिस्कस कर देखी हो रहा है, अब देखना लीप वर्ष देखना है, नहीं देखना, जुलाई से नवंबर, फरवरी का जिक्र नहीं है, तो लीप वर्ष हो साधारण वर्ष हो कोई दिक्कत नहीं, अब देखना है यहाँ जुलाई से लेके नवंबर तक, तो जुलाई से, तो जुलाई में कितना दिन हो रहा है सो देखना है, उसका जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, नवंबर में कितना दिन लेना है 30 दिन लेना है, ठीक है। अब देखना है जून जुलाई, जुलाई कितना महीना का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, 31 महीना होता है, तो 31 हो जाएगा इसका, और इसमें से 31 माइनस 28 यानी इसमें कितना दिन हो जाएगा, मात्र 3 दिन होगा, ठीक है। अब सितंबर के कितना का होता है, 30 माह का होता है, अक्टूबर कितना का, 31 का होता है, ये तो ऑलरेडी 30 और 30 तक तो है ही, अब इसको क्या करेंगे, इसको सब को 7 से भाग दे देंगे, ये तो ऑलरेडी 7 से कम है, अब किसको, इसको 7 से भाग देंगे, इसको 7 से भाग देंगे, इसको 7 से भाग देंगे, सब को 7 से भाग देंगे, और शेषफल हम लिख लेंगे, जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है, सबका शेषफल, तो शेषफल देखिए, शेषफल क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका देखिए 7 7 4 28 29 30 31 3 हो जा रहा है, और इसे भी हम लिखा दिए 31 3 31 30 2, ठीक है, और 29 फिर 1, 28 फिर 0 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा, टोटल को जोड़ देंगे, या फिर 3 3 2 5 2 7, 7 हो रहा है इसको हटा देंगे, अब इसी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको हटा देंगे, 7 है तो 7 को हटा देंगे, 3 3 6 हो जा रहा है, यानी 6 शेषफल कितना बचा, 6 बचा, तो अब क्या करेंगे, इस ट्यूजडे में 6 दिन जोड़ देंगे, तो वो यहाँ पे हो जाएगा, यानी ट्यूजडे में 6 दिन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ट्यूजडे में 6 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मंगलवार में,
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंडे आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से और भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि उसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा, और भी टाइप है, ठीक ना। रीजनिंग में एक और भी टाइप आएगा जो एक्चुअल में डेट डे निकालना है। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था एक्चुअल में, ये तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं कि यदि 15 अक्टूबर 2015 को बुधवार है तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो ये तो इससे बना रहे हैं, ये अप्रोक्स में जब मान के चलते हैं, माना कि, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 1957 में कौन सा दिन था 15 अगस्त को, या फिर 2030 में 29 नवंबर को कौन सा दिन होगा एक्चुअल में, तो वो भी अभी एक पार्ट बचा हुआ है, तो इसको अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, 25 नवंबर 2021 को शनिवार है तो 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 2021 में ही हम चल रहे हैं, तो कहाँ से चल रहे हैं, नवंबर में दे दिया, आगे दे दिया, पीछे पूछा जा रहा है कि फरवरी में कौन सा दिन होगा। अब फरवरी का चर्चा चल रहा है, फरवरी का महीना कल इंक्लूड कर रहे हैं, तो अब निकालना है कि फरवरी को 28 लेंगे कि 29 लेंगे, तो 28 29 डिपेंड करता है लीप वर्ष पे। तो अब देखेंगे 2021 जो है सो लीप वर्ष है या नहीं, तो ये लीप वर्ष देखने के लिए क्या करेंगे, शताब्दी वर्ष नहीं है तो 400 से नहीं भाग देंगे, तो ये कौन सा शताब्दी वर्ष 2021 नहीं है, तो मात्र इसको 4 से भाग देंगे, तो क्या कट रहा है, सिर्फ दो, इसको दो देखेंगे, अगर दो कट गया तो यानी ये टोटल कट जाएगा, भाज्यता का नियम है, भाग का नियम है। देखिए 4 5 20 नहीं कट रहा है तो ये श्योर है कि 2021 नहीं कटेगा। देखिए 4 5 20 5 हो जाएगा और इधर फिर 0 हो जाएगा, ये कटवे नहीं करेगा, तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये कौन सा साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो फरवरी माह कितने दिन का होगा, तो फरवरी जो होगा इसलिए फरवरी 28 दिन का होगा, ठीक 28 दिन का होगा, ठीक है। जब 28 दिन का हो गया तो अब निकालेंगे, अब कहाँ से निकालेंगे, देखिए 28 फरवरी यहाँ से लेंगे, फरवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना, अक्टूबर तक दिख रहा है कि नहीं आपको, थोड़ा सा लाइटिंग पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर बीच में एक सेकंड हम आपको इधर ही कर दे रहे हैं, चलिए नवंबर तक है इस तरह से। अब क्या करना है, 28 दिन, इसमें कितना दिन का लेना है, फरवरी 18 फरवरी तक का ही लेना है, तो यानी 18 यानी 28 में से 18 माइनस कर देंगे, तो 28 में से 18 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 0 और इधर 1, 10 दिन ले लेंगे मार्च। उसके बाद अब देखेंगे नवंबर कितना दिन का लेंगे, 25 नवंबर, तो 25 दिन का हो जाएगा, ये दोनों समझ में आ गया। अब मार्च से क्या लेंगे, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, उठा हुआ भाग 31, यानी मार्च 31 हो जाएगा, तो अप्रैल 30 हो जाएगा, मई 31 हो जाएगा, जून 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको याद है इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक 30 धसा हुआ भाग। अब जुलाई जो है से उठा हुआ भाग होता है 31,
तो यहाँ तो इकतीसा, आ तो क्या अब ये तीसा होगा? नहीं होगा इकतीसा, इसीलिए नहीं होगा कि लगातार अगर करेंगे यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो अगस्त उठा हुआ भाग आ जा रहा है, इकतीसा हो जा रहा है। तो यहाँ पे 31, फिर इधर 30, इधर फिर 31 और इधर 25 दिन हो गया मात्र। ठीक, अब देखिए, अब सबको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, सबको 7 से भाग दे देंगे और शेषफल लिख लेंगे। ठीक है, सबको 7 से भाग देंगे और शेषफल सिर्फ लिखेंगे, सबका शेषफल, मात्र शेषफल, तो सबका शेषफल देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 7 × 7 शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर 3, इसका इधर 31 है तो इसका शेषफल 3, इसका 2, इसका 3, इसका इसका कितना हो जाएगा 2, इसका फिर 3, फिर इसका 3, इसका 2, इसका 3, फिर इसका 7 × 21 21 × 4 = 25। तो यहाँ इतना हो जाएगा, अब देखना है कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 6, पहले 7 काट देंगे, 7 काट देंगे, जहाँ पे 7 हो जाएगा उसको काट देंगे। तो देखिए, तो 4 × 3 = 7 है, कट गया, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, ठीक है, कट गया, 3 × 2 = 5 = 7। ठीक है, अब देखना है, 3 × 2 = 5, 3 × 3 = 6 नहीं कट रहा है, 3 × 3 = 6 या 3 × 2 = 5 या 2 नहीं कट रहा है। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ के फिर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 6, 6 × 12 = 13, 14, ठीक है, अब बट्टे में 7 भाग देंगे, फिर शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब शेषफल फाइनली 0 हो जा रहा है तो इस शनिवार में 0 जोड़ देंगे, 0 दिन जोड़ेंगे, इसीलिए शनिवार में कितना दिन, 0 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, शनिवार ही होगा, यानी इस दिन कौन सा शनिवार, कौन सा दिन होगा, शनिवार ही होगा, कौन सा डेट को, 18 फरवरी, प्लस नहीं करेंगे यहाँ पे, माइनस करेंगे, उल्टा ना चले हैं, तो उल्टा में माइनस करना है। अगर माना यहाँ पे एक दिन हो जाता तो फिर तो रविवार हम लिख देते, जबकि उसका आंसर क्या होता, फ्राइडे होता, यहाँ तो 0 है इसीलिए ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शनिवार हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं, नवंबर 25 नवंबर को दिन दिया हुआ है, हमको निकालना है 18 फरवरी को, इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 अक्टूबर 2015 को, 15 अक्टूबर 2015 को बुधवार है तो 16 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? लीप वर्ष देखने की जरूरत है, नहीं है, मई से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी से नहीं, तो लीप वर्ष है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखना है यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, मई से, ठीक ना, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, नवंबर नहीं लेना है, ठीक है, तो मई से लेंगे तो मई को देखते हैं क्या होता है, मई से लेंगे तो हाँ, 16 मई 2015 है, तो मई में तो 16 दिन चला गया, लेकिन पहले देखना कि मई कितना महीना का होता है, कितना दिन का होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 महीना है, तो 31 में से 16 घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ अक्टूबर देखेंगे, अक्टूबर कितना दिन का है, 15 अक्टूबर, तो यहाँ पे 15 ले लेंगे, और जब ये मई 31 दिन का हो गया तो जून कितना दिन का हो जाएगा, 30 दिन का, जुलाई 31, फिर अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 15 में से 16 घटाएंगे तो 30 में 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर कितना हो जाएगा, 15 बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबको 7 से भाग दे देंगे, जितना भी है सबको 7 से भाग दे देंगे, सबको 7 से भाग दे देंगे और शेषफल लिख लेंगे।
तो शेषफल क्या हो जाएगा सबका, तो देखिए 7 × 2 = 14, शेषफल 1, तो इसका हो जाएगा 1। फिर देखिए 7 × 1 = 7, 28, शेषफल 2। 31 का कितना होता है शेषफल 3, 31 का 3, इधर 30 का 2, इधर 7 × 2 = 14, शेषफल 1 हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ 7 हो जाएगा उसको पहले काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 × 3 = 6, 1 = 7, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 × 2 = 4, 1 = 5, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा तो वो किस में जोड़ेंगे, बुधवार में जोड़ देंगे, इसीलिए बुधवार में कितना जोड़ेंगे 5 दिन जोड़ेंगे, प्लस 5 दिन जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, यानी 16 मई रिवर्स जा रहे हैं, 15 अक्टूबर दिया हुआ है, आगे का दिया हुआ है, ये डेट दिन दिया हुआ है, हमको मई का निकालना है, रिवर्स में आ रहा है, तो रिवर्स में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब माइनस होगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, माइनस होगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, बुध में से 5 दिन घटा देंगे, तो बुध में से 5 दिन घटाएंगे तो मंगल हो जाएगा, सोम हो जाएगा, उसके बाद रविवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, कौन सा दिन आ रहा है, शुक्रवार हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, यानी शुक्रवार, ठीक है। ठीक है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था, ठीक है। दोनों तो पास्ट में ही है, इसीलिए पास्ट में ही था, है ना। यानी इफ इट वाज ट्यूजडे ऑन 28 फरवरी 2017, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 फरवरी 2019। अब इसमें देखिए क्या करना है, एक दे दिया है 28 फरवरी 2017, ठीक है, 2017 में 28 फरवरी 2017, इसमें देखिए कितना दिन का हो जाएगा, ये देख लीजिए, दो मेथड होता है, एक पहले ये बता देते हैं कि ये जो फरवरी 2017 है, फरवरी का जिक्र हो रहा है, तो ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, सो पहले देखेंगे, तो 4 से भाग दे देंगे, तो 4 × 16 नहीं कट रहा है, यानी 365 दिन का ये साल होगा, 2017 जो होगा सो 365 दिन का होगा, फिर 2018 जो होगा वो कितने, 2018 × 4 = 16, 17, 18 नहीं कट रहा है, ये भी 365 दिन का होगा, 2019 भी कौन सा ये होगा, ये भी 2019 365 दिन का होगा। इसमें देखना है कि 300 ये फरवरी 2017 में कितने दिन का होगा, 365 माइनस में क्या करेंगे, 28 फरवरी है और उधर 31 जनवरी हो गया, तो 31 प्लस 28 इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 365 माइनस इधर हो जाएगा 31 प्लस 28 8 × 9 = 3, 2, 5, यानी ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 5 में से 5 = 0 और इधर 3 हो जाएगा, 306 दिन बच रहा है इसमें, इसमें 2018 में 365 दिन हो रहा है, 2019 में देखना है, तो 2019 में 28 फरवरी 2019 देखना है, 28 फरवरी 2019 में कितना दिन हो रहा है, इधर जनवरी हो रहा है 31 प्लस इधर 28 दिन हो रहा है। अब देखते हैं सबको बारी बारी से 7 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा,
इधर देखिए, इसको भी सात से भाग दे देंगे, इसको भी सात से भाग दे देंगे, इसको भी बारी बारी से सात से भाग दे देंगे। जोड़ के दे या घटा दे, डायरेक्ट दे दे, अलग अलग दे या जोड़ के दे। इसमें भी हम चाहते तो यहीं पे भाग दे देते, यहीं पे भाग दे देते, यहीं पे भाग दे देते, सिर्फ भाग फल को ऐड करते जाते, शेष फल को ऐड करते जाते। अगर सात से अधिक होता तो उसको भी और ऐड करते चले जाते। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे यहीं पे 59 है ना, सात से भाग देंगे, जितना शेषफल होता उतना ही को हम ऐड करते। अब यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए सात से भाग दे देंगे 306 को, कितना हो जाएगा, सात सात चौक 28, 29 30 दो 26, सात इक्कीस, इधर कितना हो जाएगा 5, यानी इसमें शेषफल कितना बचा 5। इसका कितना हो जाएगा, 365 को 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 को 365, तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, इधर हो जाएगा 1, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा शेषफल 1 हो जाता है। और 366 में शेषफल 2 होता है, जो कि हम पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। इधर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 का शेषफल 28, 29 30 31, यहाँ हो जाएगा शेषफल 3, इधर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, इधर हो जाएगा 0, यानी 2019 में टोटल शेषफल कितना होगा 3, इधर कितना हो जाएगा 1, इधर कितना है 5। तो देखना है टोटल को जोड़ देना है, टोटल शेषफल, टोटल शेषफल बराबर टोटल शेषफल कितना हो जाएगा 5 + 1 + 3, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8 = 9। 9 को भी फिर से 7 से भाग दे देंगे, शेषफल कितना हो जाएगा 7 × 1 = 7 = 8 = 9, शेषफल हो जाएगा मात्र 2 बचा। तो अब देखना है कि आगे की ओर देख रहे हैं कि पीछे की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ 28 फरवरी में दिया हुआ है, यहाँ देखना है 28 फरवरी 2019 को देखना है। तो 2019 में देखना है, 28 फरवरी 2019 को देखना है, आगे देखना है। तो किस में, 28 फरवरी 2017 मंगलवार था, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, इसीलिए मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। तो कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार। इसका क्या आंसर हो जाएगा, गुरुवार, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। एक और तरीका है, इसको मिटा के हम बता रहे हैं, थोड़ा सा हम चलने देते हैं वीडियो को, लिखने में सुविधा होगा। अब देखिए अब जो मेथड है, ये जो हमको प्लस माइनस करना पड़ा ना, ये चीज़ को बचाने के लिए हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। ये जो 365 दिन का हो गया, अब उसमें से कितना माइनस करेंगे, 28 फरवरी हो गया, माना अगर 28 नवंबर होता तो फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नवंबर तक दिन कैलकुलेट करते और फिर उसमें माइनस करते, है ना। तो अब देखिए उसके लिए, या फिर अगस्त होता तो क्या करते, तो इसके लिए एक मेथड बता रहे हैं जो इससे इजी होगा। देखिए क्या इजी होगा, तो क्या दिया हुआ है, 28 फरवरी 2017 को कौन सा दिन है, मंगलवार है, ठीक है। तो 28 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, फिर 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, टोटल एक साल का अंतर हो रहा है ना, हो रहा है। अब देखते हैं फरवरी काउंट हो रहा है, तो 2017 जो है सो लीप वर्ष है कि नहीं है वो चेक करना है। तो 2017 चर्चों का 16 नहीं कट रहा है, तो यानी साधारण वर्ष है। तो इसमें क्या होगा, साधारण वर्ष में होता है एक, 365 को हम भाग दिए थे तो शेषफल एक हुआ था ना, और जो लीप वर्ष होता है उसका शेषफल होता है 2। तो यहाँ पे क्या है, साधारण वर्ष है, इतना यहाँ से लेके 28 फरवरी 2018 कंप्लीट नहीं हो रहा है, 28 फरवरी तक है। तो उस दिन तक में क्या हो रहा है कि ये फरवरी जो है 28 है, 29 तो है नहीं,
तो यहाँ इसका चेक करना है, इसीलिए यहाँ चेक कर रहे हैं कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो प्लस वन यहाँ पे जोड़ देंगे, तो प्लस वन जोड़ेंगे मंगलवार में तो कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब देखना है 28 फरवरी 2018 से लेकर 28 फरवरी 2019 तक पूरे पूरी 365 होगा। 366 कब होगा, जब ये 29 फरवरी होगा तब। तो अब देखेंगे कि ये 29 फरवरी होगा या नहीं, तो उसके लिए 2018 लीप वर्ष है या साधारण, तो 2018 चार से भाग देंगे नहीं कट रहा, यानी साधारण वर्ष ही है, तो यानी 365 दिन का ही साल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 365 है तो फिर इसमें प्लस वन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस वन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, है ना, उससे आसान। अगर इसी में गुरुवार तक निकल गया, 28 फरवरी है तब ना, अगर इसी में अगर दे देता कि हमको मार्च का निकालना है फरवरी, तो यहाँ तक निकल चुका है, उसके बाद मंथली सिस्टम से हम बना सकते थे, उसके उस टाइप पे भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उससे आसान होता है जब ईयर वाइज हो ना, तो इसी मेथड से हम निकालते हैं, अच्छा लगे, अच्छा रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था तो 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, तो इसको भी हम दो मेथड से हम बना सकते हैं। तो एक तो मेथड है कि जैसे देखिए 31 दिसंबर 2003 से लेंगे, ठीक है, अब 2003 ले लिए, 2004 सॉल्यूशन पहले से बन गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा दे रहे हैं, 2004 लेंगे और कब, 7 मार्च 2005, तीन वर्ष का फासला है, ठीक है, 3, 4, 5। तो देखिए 31 दिसंबर 2003 में कितना, कौन सा तो लीप ईयर है कि जनरल वर्ष है, तो जनरल वर्ष होता है ये 365 दिन का, तो 365 दिन में कितना दिन हो चुका है, 31 दिसंबर है तो लगभग 365 दिन हो चुका है, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब 2004 में आएंगे, टोटल ए टू जेड, तो क्या है, ये लीप वर्ष है 366, तो उसका शेषफल 7 से भाग देने के बाद 2 होता है। 7 मार्च 2005 अब आएंगे, तो 2004 तक तो कंप्लीट है, अब 7 मार्च 2005 में जनवरी से लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 31 महीना, फरवरी 28, चूंकि ये साधारण वर्ष है, मार्च 7 मार्च तक लेना है, 7 दिन तक, तो 31 को 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे सबको और सबका शेषफल लिखेंगे, तो शेषफल इसका 3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो अब ये जो 3 जो शेषफल बचा और यहाँ जो शेषफल 2 है, ये दोनों को जोड़ देंगे, 3, 2, 5 हो जाएगा, और ये 5 इस दिन में जोड़ देंगे, तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो क्या हो जाएगा, सोमवार, यानी 7 मार्च 2005 को सोमवार दिन आएगा, मतलब था ही, पास्ट में ही है दोनों। अब देखिए सेकेंड मेथड जो हम बताए थे, 31 दिसंबर 2003 बुधवार है, अब 31 दिसंबर 2004 तक लेना है, हम मानते हैं कि 2004 जो है सो लीप वर्ष है, तो फरवरी जो है यहाँ से जो हम काउंट करेंगे, तो फरवरी 2003 से 2004 में आ रहा है 29 कि 2004 से 2005 में आ रहा है 29, 2003 से 4 में आ रहा है, 2003 में हम प्लस 2 तब नहीं करते जब हमारा यहाँ पे 1 जनवरी 2003 होता, तो 1 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2004 तब इसमें प्लस 1 ऐड करते, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 2004 है,
तो 31 दिसंबर 2004 के बाद 1 जनवरी 2003 के बाद 1 जनवरी 2004 हो जाएगा, 29 फरवरी 2004 आएगा इसी में, तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे प्लस 2 ऐड करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम यहाँ पे प्लस 1 यदि ऐड करते थे, यहाँ पे प्लस 2 ऐड करेंगे, इसीलिए कि 29 फरवरी इस और इसके बीच आ रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 366 दिन का हो रहा है। ये दोनों का अंतर जो होगा सो 366 दिन का होगा, उसको 7 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचता है, तो 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बृहस्पति शुक्र, तो ये हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा। अब ये 31 दिसंबर का है और 1 जनवरी का लेंगे तो शनिवार हो जाएगा, 1 जनवरी को लेंगे तो शनिवार हो जाएगा। अब शनिवार हो जाएगा, अब 7 मार्च 2005 तक जाना है, तो जनवरी 31 होता है, फरवरी 28 होता है, मार्च 7 दिन लेंगे, तो सबका शेषफल लिखेंगे 31 का 3, 28 का 0, 7 का 0, शेषफल 0 होता है। अब देखेंगे कितना शेषफल जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे कि क्या जोड़ेंगे। अगर 1 जनवरी लेते हैं तो 31 माइनस 1 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शेषफल 2 हो जाएगा। अगर 31 दिसंबर तक ही लेते हैं तो पूरा का पूरा 31 दिन का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शेषफल 3 हो जाएगा। तो अगर 31 दिसंबर लेंगे तो शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे, अगर 1 जनवरी लेंगे तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा अगर 3 दिन जोड़ते हैं तो शनिवार रविवार सोमवार, तो भी आंसर आ रहा है सोमवार, और इस मेथड से भी आ रहा है सोमवार। आया ना समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। दो मेथड से भी हम बना सकते हैं, देखिए सिंपल मेथड हम लोग ये अप्लाई करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन है, शनिवार है। अब देखते हैं 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, 2019 से 2020 के बीच में फरवरी माह आ रहा है, 28 होगा कि 29 होगा, तो 28 29 किस में डिसाइड होगा, 2019 में ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2020 में 26 जनवरी तक ही है। अगर फरवरी के बाद रहता 2020 तब 2020 का कैलकुलेट करते, 2019 में तो ये लीव साधारण वर्ष है तो प्लस 1 ऐड करेंगे, तो प्लस 1 ऐड करेंगे तो कौन सा हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। अब देखिए 26 जनवरी 2021 कौन सा दिन होगा, 4×5=20 लीप वर्ष है, यानी 29 महीना होगा फरवरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 2 ऐड करेंगे, तो शनिवार रविवार हो जाएगा। कहाँ तक आए 2021, 2022 तक आना है, 26 जनवरी 2022 क्या करेंगे साधारण वर्ष है तो प्लस 1 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, है ना। अब देखना है 26 जनवरी 2022 तक हम आ चुके हैं, पूछा जा रहा है 30 जनवरी, यानी 26 प्लस 4 हो जाएगा 30 जनवरी, 30 जनवरी 2022, तो इसमें प्लस 4 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार दिन हो जाएगा। आया समझ में, है ना सिंपल। अगर हम पहले के मेथड से अगर बनाते हैं, इस मेथड से इसको उतार लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन सब है ये सब, देखिए पहले के मेथड से अगर बनाते हैं तो क्या करेंगे 2019 में 26 जनवरी 2019 का निकालेंगे, फिर 2020 का निकालेंगे, 2021 का निकालेंगे, 2022 का निकालेंगे,
ठीक है, 2022 का नहीं, 2021 तक, 2020 का हो जाएगा 366 इधर दो हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, कितना टोटल दिन कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, टोटल दिन तो कितना 2019 में कब तक चल रहा, 2026 जनवरी 2019 से लेके दिसंबर तक टोटल हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, और इसमें कहाँ से 26 दिन का, इसमें 2022 में 26 दिन का, तो 26 दिन को 7 से भाग दे देंगे, जो शेष फल होगा वो लेंगे, तो कितना हो जाएगा 27, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इधर हो जाएगा 5, और 5, 2, 7 ये दोनों कट जाएगा, इधर शेष फल इसका 3 हो जाएगा, और इसका जो शेष फल होगा उसको जोड़ेंगे, और इसमें शनिवार में जोड़ेंगे, तब जाके ये शुक्रवार होगा, तो लगभग ये जो भी होगा, तो इस तरह से थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इस हिसाब से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा इसमें क्या है, समय कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, तो इसको है कई मेथड से हम बना सकते हैं, सिंपल सा मेथड देखेंगे जो तुरंत बने, 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 सत्रह ही में चल रहे हैं, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो देखेंगे 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब माह का हम निकालते चलेंगे, अगर निकालते चलेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, चूँकि लास्ट दिसंबर है, यहाँ 1 जनवरी है, और टोटल साल कवर हो रहा है, यानी 365 का 365 दिन कवर हो रहा है, तो जिसमें 1 जनवरी को दिया ही है, ठीक है, तो ये जो है 2017 जो है, 2017 जो है सो 365 दिन का है ना, 1 जनवरी तो हो चुका है, तो उसमें से माइनस घटा देंगे एक, तो कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा, 364 हो जाएगा, तो टोटल दिन हम कैलकुलेट कर लिए, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का टोटल दिन कितना हो गया, 364 दिन हो गया, अब उसको 7 से भाग दे देंगे, शेष फल क्या हो जाएगा, तो शेष फल देखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 + 7 = 28, 7 + 5 = 35, 1 + 7 = 14, यानी शेष फल क्या हो जा रहा है, 0, तो इसलिए क्या करेंगे, ये शेष फल रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे, 0 दिन, तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा, यानी इसीलिए कौन सा दिन हो जाएगा 31 दिसंबर, इसीलिए 31 दिसंबर 2017 को रविवार था, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए पहले मेथड से अगर बनाएंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, अब पहले के मेथड से अगर बनाएंगे तो जनवरी लेंगे, फिर फरवरी लेंगे, फिर मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे, मई लेंगे, जून लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त लेंगे, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर, इतना लेंगे, ठीक है। अब जनवरी में 1 जनवरी है ही, तो 31 - 1 करेंगे तब कितना हो जाएगा, 30 दिन का हो जाएगा, फरवरी 28, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, और दिसंबर 31 दिन का लिया जा रहा है, और सबको 7 से भाग देंगे, सबको 7 से भाग देते जाएंगे, सबको 7 से भाग देते जाएंगे, क्या हो जाएगा शेष फल, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0, इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 2, इसका 3, फिर 2, 3, इस तरह से हो जाएगा टोटल, टोटल देखेंगे 3,
दो पाँच दो सात कट जाएगा, तीन दो पाँच आ दो सात यह कट जाएगा, तीन तीन दो पाँच नहीं कटेगा, एक दो तीन चार तिया बारह, बारह तेरह चौदह हो जाएगा। टोटल शेषफल कितना हो रहा है, चौदह हो रहा है। फिर इसको सात से भाग देंगे, जीरो शेषफल हो रहा है, हो रहा है ना। तो इतना लंबा हो जाएगा और इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे कि एक जनवरी है और इकतीस दिसंबर है। अगर 29 दिसंबर रहे, दो जनवरी रहे, तो उस हिसाब से यहाँ पे उतना दिन माइनस कर लेंगे और जितना दिन होगा उसको सात से भाग दे देंगे, रिमाइंडर लिख लेंगे और उतना शेषफल जोड़ देंगे। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन से कुछ यूनिक चीज निकला है, ध्यान देना है। ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में एक जनवरी को कौन सा दिन था, रविवार था, और 31 दिसंबर को कौन सा दिन आया, रविवार ही आया। कैसे आया, 365 माइनस एक किए तो 364 भागा सात, जिसमें शेषफल हमेशा जीरो ही आएगा। तो अब इससे फाइंड आउट हो रहा है कि जो साधारण वर्ष है उसमें पहला दिन, ठीक है ना, उस वर्ष का पहला दिन यानी फर्स्ट जनवरी का दिन जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी होगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर भी सोमवार होगा। देखिए ना, उसका भी अगर सोमवार होगा तो उसी तरह करेंगे, शेषफल जीरो हो जाएगा तो जीरो ही होगा। अगर इसी में लीप वर्ष अगर होगा, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा, 366 माइनस एक 365 हो जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा उसमें। अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट के रूप में लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। क्या लिखिएगा कि यदि साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन समान होता है, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है, और लीप वर्ष में पहला दिन में एक दिन जोड़ लेंगे, पहला दिन में एक दिन जोड़ लेंगे, वही 31 दिसंबर का दिन होगा। इस क्वेश्चन से ये चीज फाइंड आउट हो रहा है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज शुक्रवार है तो 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 55 दिन बाद। इसमें दिन दिया ही है तो बाकी चीज़ तो कैलकुलेट करना ही नहीं है कि कौन सा महीना कौन से कितना दिन का होता है। तो आज शुक्रवार है तो शुक्रवार से कितना दिन दे दिया है, 55 दिन दे दिया है। तो 55 को क्या करेंगे, सात से भाग दे देंगे, तो शेषफल क्या हो जाएगा, सात पाँच पैंतीस सात छः सात सात उनचास सात आठ छप्पन सात सात उनचास। इधर शेषफल क्या हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा, जो कि ये शुक्रवार में जोड़ देंगे,
शुक्रवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति यानी गुरुवार हो जाएगा। इसका आंसर गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। और क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, है ना? तो इसको आप लोग पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, हम तो बना ही रहे हैं, है ना? इफ़ इट वाज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 1947, What was the day of the week on 26 January 1950? कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। अब 15 अगस्त 1948 में आएंगे, 15 अगस्त 1949 में आएंगे। तो अब देखेंगे क्या ऐड करेंगे, 15 अगस्त 1948 को कितना कौन सा दिन होगा? अगर साधारण वर्ष होता है तो पहला और आखिरी दिन बराबर होता है, लीप वर्ष होता है तो एक दिन ज़्यादा होता है, तो पहला और आखिरी दिन का अंतर तो वो होता है। लेकिन यहाँ 15 अगस्त है और 15 अगस्त 1948 को ही कौन सा दिन होगा? तब देखिए ये तो है साधारण वर्ष, ठीक है, 47 है, कटेगा नहीं 4 से, 48 तो कटेगा। तो 1948 में जो फरवरी माह होगा वो तो 29 दिन का होगा, तो 29 दिन क्या इसके इसके अंतर में ऐड होगा कि 1947 और 48 के बीच का होगा? 15 अगस्त से लेके 15 अगस्त 1948, 1947 से 1948 के बीच में आ रहा है 29वां माह, तो अंतर यहाँ से यहाँ तक का कितना दिन का होगा? 366 दिन का होगा। तो क्या करेंगे इसमें? +2 ऐड करेंगे। तो +2 ऐड करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार, रविवार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रविवार हो जाएगा। अब देखिए चूंकि 29 फरवरी आ रहा है, ठीक है, अब देखिए 1948 से 1949 में आएंगे, ये लीप वर्ष है लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आने वाला फरवरी माह कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। तो अंतर कितना का होगा? 365 का अंतर होगा। तो कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे, तो इसमें +1 एक दिन ऐड करेंगे जो कि सोमवार हो जाएगा, ठीक है। शुक्रवार है यहाँ पे, शनिवार, रविवार और ये सोमवार हो गया। अब देखते हैं 15 अगस्त 1949 में, 50 में अगर आएंगे तो फिर हमको माइनस में आना पड़ेगा, क्योंकि 15 अगस्त तक फाइंड आउट निकल जाएगा 15 अगस्त तक निकल जाएगा, हमको निकालना है 26 जनवरी, तो उतना आगे हम नहीं बढ़ के यहीं से हम एक काम करते हैं कि 26 जनवरी 1950 यहाँ 15 अगस्त 1949 को निकल चुका है, कौन सा? अगस्त 1949 का मान निकल चुका है, ठीक है। तो 1949 में अगस्त के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद क्या हो जाएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर कौन सा? 1949 का ही, यहाँ तक आ गया 1949 ही। 1950 में अब आएंगे जनवरी, जनवरी किस में आ जाएंगे? 1950 में आ जाएंगे, जो कि कितना दिन लेंगे जनवरी में? जनवरी कितना दिन का निकालना है? 26 दिन का ही, तो यहाँ पे 26 दिन हो जाएगा। दिसंबर 31,
ये तीसा, फिर ये इकतीसा, ये तीसा, और अगस्त जो है सो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो यहाँ 31 माइनस कितना दिन, कितना दिन हो चुका है, 15 दिन हो चुका है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, और सबको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, सबको 7 से भाग दे देंगे, और सबका शेषफल लिखेंगे ना कि भागफल लिखेंगे। तो सबका शेषफल क्या हो जाएगा, 7 × 14 = 15 = 16, 2 इधर 2, इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका 7 × 21 = 22 + 23 = 24 + 25 = 26 + 5। अभी तक उम्मीद करते हैं कि शेषफल तो सबका याद ही हो गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 × 2 = 5 + 2 = 7 काट देंगे, फिर देखेंगे 5 × 2 = 7, शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फाइनली शेषफल कितना आया, 3 आया, जो कि किस में जोड़ेंगे, शुक्रवार में जोड़ेंगे या सोमवार में जोड़ेंगे, सोमवार में जोड़ेंगे, सोमवार के बाद का ना ये कैलकुलेशन है, तो सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे, तो इसीलिए कितना, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। 26 जनवरी 1950 को निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ सोमवार है, तो सोमवार प्लस तीन दिन तो कौन सा हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार हो जाएगा। इसका आंसर गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। हम अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन लेके आएंगे इस पे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और अगला जो वीडियो में आएंगे उसमें एक्चुअल में दिन निकालेंगे, कैलेंडर में एक्चुअल में दिन, जैसे 6/6/1991 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो उस दिन कौन सा दिन है, वो तो याद होगा ही सबको, अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन याद होगा, तो क्या सही में उस मेथड से अपना दिन कैलकुलेट हो रहा है, उससे निकालेंगे। अब जैसे 18/12/1990 को मंगलवार था, तो मंगलवार होगा या नहीं होगा उससे निकाल लेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 2049 में कौन सा दिन होगा, 2024 में 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो उस मेथड से हम लोग निकालेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।